आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं बी इन जेन स्टेट यार, ज़्यादा मत सोचो. बट इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? पॉसिबल तो नहीं है ना, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज डिजाइंड इन अ वे कि उसे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव चाहिए, वो कुछ ना कुछ सोचेगा ही. पॉजिटिव सोचे नेगेटिव सोचे ये आप पे डिपेंड करता है. तो रादर देन कि वो एक नेगेटिव थॉट को बार बार कंटिन्यूसली सबकॉन्शियस में आप बिठा दो और फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, आप पॉजिटिव सोचो. अब पॉजिटिव सोचना भी बहुत मुश्किल है बिकॉज कभी कभी सिचुएशंस वाकई हमारे अगेंस्ट होती हैं. तो दो ऑप्शंस हैं. पहली चीज़, तो आप अपने दिमाग को एक टास्क दे सकते हो कि आप जैसे ऑब्सेशन आपको किसी और इंसान का हो जाता है ना, ऐसे आपको ऑब्सेशन उस एक मंत्र का या उस एक भगवान के नाम का हो जाए. लेट्स से राधे राधे, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, जो भी ठीक है. इसे कहते हैं अजपा जाप. तो आप किसी से बात करो, आपके अंदर चलेगा ओम नमः शिवाय, ठीक है. अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? पहला कि आप उस एनर्जी से बहुत ही डीपर लेवल पे कनेक्ट करते हो और वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइड करती है, ठीक है. दूसरा, आपने वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो अपने कट कर दिए और ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ना नेगेटिव ना पॉजिटिव कोई भी थॉट्स नहीं चल रहे, आपके दिमाग में सिर्फ वो ही एक नाम चल रहा है, ठीक है. दूसरा प्रैक्टिकल वे, अगर आपको ये नहीं करना है, बिकॉज आई नो देर आर पीपल हु वुड क्वेश्चन इट, सो देर इज अ प्रैक्टिकल वे टू इट. तो दूसरा जो मेथड है वो है, आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स. मेरा है वन डे एट अ टाइम. सुना सबने है, करता कोई नहीं है. वन डे एट अ टाइम गोल्स. जब आप सुबह उठते हो, आप अपने दिन के एक्टिविटीज को प्लान करो, जर्नल देम, राइट देम, और फिर टाइम वाइज बस नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में सोचो. जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, जैसे ही वो खत्म हो अगली एक्टिविटी में चल जाओ. जिस टाइम पे आप जो कर रहे होते हो, जब आप उस काम को 100% कर रहे होते हो, दैट इन इटसेल्फ इज एन एक्टिव वे ऑफ मेडिटेशन, ठीक है. कोई जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के ही मेडिटेशन करनी है. आप अगर पढ़ रहे हो, कॉफी पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, जो कर रहे हो, अगर आप उस काम में 100% इन्वॉल्व हो, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन और वो अपने आप में एक जेन स्टेट है, ठीक है. तो जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते हो जहाँ पर वाकई कोई थॉट्स नहीं है आपके दिमाग में, तब तक आप ये कुछ दो मेरी चीज़ों को ट्राई करो एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. द अजपा जाप एंड वन डे एट अ टाइम, ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, मुझे बहुत हेल्प की है. एंड इवन टुडे, अभी भी जब मुझे कोई कोई दिन नहीं टाइम मिलता मेडिटेशन करने का या मेरा मन नहीं होता है, तो मैं ये दो चीज़ें मेरा लाइफस्टाइल बन चुकी हैं एंड दीज टू थिंग्स आर माय सेवियर. अजपा जाप जो आप कर रहे होते हो तो आपके आसपास कैसी भी सिचुएशन है आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हो विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. तो ऑटोमेटिकली आपको इस दुनिया की कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, तो वो अपने आप में एक जेन स्टेट है, राइट. प्लीज़ ट्राई एंड लेट मी नो.